हेलो गाइस मिस्टर फाइव जी इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एप्पल ने आई 15 रिलीज कर दिया है आई 15 एस में भी आ गया है और आई में भी आ गया है तो आज हम आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताएंगे आई 15 का और 14 में क्या डिफरेंस है ये आई फोन ट्वेल्व जी हमारे पास इसको भी हम ऑन करते हैं मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाता हूँ कि कहाँ से आप आई ओ को अपग्रेड कर सकते हैं आई ओ एस फोरटीन को आई एस फिफ्टीन से अपग्रेड कर सकते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर में जाएँ तो वो यहाँ पर हमें बताएगा कि आई यू एस फोरटीन और अगर आप चाहते हैं ऑल्सो अवेलेबल फॉर आई ओस फिफ्टीन तो अगर अगर हम जाते हैं आप क्रिएट आई एस फिफ्टीन या आप उसका साइज़ देख सक, देख सकते हैं ये है थ्री पॉइंट फिफ्टीन जी बी डिपेंड करता है आपका ऑलरेडी पहले वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है और उस हिसाब से ये साइज़ है आपके नए सॉफ़्टवेयर का और ये है इस साइड पे हमारे पास आईफोन थर्टीन प्रो थर्टीन प्रो में हम आपको दिखाएंगे इसमें है iOS फिफ्टीन और इसमें है iOS एस फोर्टीन सेटिंग में जाएं, जनरल में जाएं और अबाउट में जाएं। अगर हम अबाउट में जाएं तो वो हमें बताता है iPhone थर्टीन प्रो सॉफ्टवेयर वर्जन फिफ्टीन पॉइंट हो जो सबसे पहला जो इसमें फर्क है वो ये है कि अगर आप इन दोनों की सेटिंग को आप देख लें इसकी सेटिंग को भी आप देख लें और इसकी भी सेटिंग को आप देख लें यहाँ पे जो लाइंस हैं वो जो उसके मेन्यूज हैं वो फुल आ रहे हैं जो फंक्शंस हैं और यहाँ पे थोड़ा कट कर दिए गए हैं नाइस nice चेंज है नाइस nice डिफरेंस है हो सकता है आपको ये पसंद आएगा द so, वीडियो में ही मेरे पास इस साइड पे आई 14 होगा और इस साइड पे आई 15 होगा तो मुझे लगता है ये जो साइड पे जो कट है ये उसको एक मॉडर्न लुक देते हैं ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन लगता है इसमें हमारे पास कुछ नए वॉल पेपर भी एडअप हुए हैं डिफरेंट तरह के ये वॉल पेपर हैं और एक और बहुत अच्छा फीचर है जो एप्पल ने ऐड किया है उसको कहते हैं लाइव टेक्स्ट लाइव टेक्स्ट ये है कि कैमरा आपके लिए वो टेक्स्ट को रीड करेगा और आप उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं कहाँ पे भी अगर आपके पास कोई होमवर्क है और अगर आप और अगर आप उसको कॉपियाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे ये जो ऊपर वाला नोट है इसको अगर अभी हमने कॉपी करना है तो हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये कॉपी हो गया अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अगर हम इसको ले जाते हैं नोट्स में ये वो पूरा टेक्स्ट था और ये यहाँ पे भी पेस्ट हो गया हमें बेसिकली पूरी राइटिंग टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे लगता है ये एप्पल का सब वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ये अभी इसकी मैं एक पिक्चर लूँगा अगर आप इसको पिक्चर कैसे करें तो यहाँ ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा है और ये यहाँ पर अभी आप इस पूरे टैक्स को जितना आप कॉपी करना चाहते हैं आप उतना इसको कॉपी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इसको मैंने कॉपी कर लिया और अभी मैं इसको जहाँ भी जहाँ कहीं भी जाकर अगर मैं इसको नोट्स में या किसी टेक्स्ट में मैं जाकर इसको पेस्ट करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ मैं इसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ इंग्लिश टू डिफरेंट लैंग्वेज में एक और फ़ीचर इसमें बहुत अच्छा है अगर आप इंस्टाग्राम या स्नेपचैट में अगर आप कोई वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो इसमें एक फ़ीचर है जैसे हम कोई भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे uh, ऐसे तो हम जैसे ही बना रहे हैं हम उसको ऐसे रूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं ये देखें वो है ना हमने ऐसे साथ ही इसको जूम इन कर लिया और जूम आउट कर लिया While वी are मेकिंग द वीडियो uh, जैसे कि ये एक मैंने पिक्चर लिया इसमें अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ ये मुझे उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, दे, दे देती है मैं उसमें लोकेशन भी ऐड कर सकता हूँ समोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आपकी लोकेशन ऑन हो तो वाइड कैमरा लेंस है ट्वेंटी सिक्स एम एम एस एंड ट्वेल्व मेगा पिक्सल कैमरा है और ये सारा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एपल थर्टीन प्रो है तो किसी भी तरह की आप पिक्चर जो इसमें ऐड करते हैं वो लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये जी एक कैमरे का ये एक और फीचर है ये एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है ये ये आप देखते हैं और ये इक्नोलॉज नहीं करता ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और इसके ऊपर हमारा कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है मेरा नहीं ख्याल जो लोग हमारे फोटो फो, फोटोग्राफर हैं या जो वीडियो एडिटर हैं जो जो वीडियो बनाना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा फीचर है लेकिन मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ ये आईफोन थर्टीन के प्रो के कैमरे का एक फीचर है तो कैमरा इन्होंने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है इवन दो ये मेरा नी, नीचे जो फ्लैट सरफेस है इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें जो छोटे छोटे जो लाइन हैं वो भी इसमें प्रॉपर हमें नजर आ रही हैं ये देखें तो कैमरा क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा है जो लोग पिक्चर्स के वीडियो के शौकीन हैं उनको डेफिनेटली इसका मजा आएगा तो अगर आप ये देखें थोड़ा सा क्लोजर लुक में आप देखें इसका कैमरा और इसका कैमरा तो आप देखेंगे जो क्लिक इन का बटन है इसके ऊपर है और इसके ऊपर नहीं है ये फीचर उन्होंने कैमरे का अपडेट किया है ये इसको थोड़ी सी और मॉडर्न लुक देता है ऐप में एक और फीचर चेंज हुआ है वो है मैप्स का अगर आप ये मैप देखें और ये मैप देखें मैप को भी उन्होंने अपडेट किया है और ये भी एक उसको एक अच्छी नाइस लुक देते हैं हमारे पास ये एक और ऑप्शन है हमारे पास एक हम ऐसे इसके पेज अगर कोई आगे करना है और कोई पीछे करना है हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं ये देखा और अगर आप चाहते हैं ये पेज आपका फर्स्ट पिना हो ये वो वाला हुआ आप ऐसे कर सकते हैं इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो पेज, जो, जो पेज जहाँ पे है हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं इसमें हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं ये मतलब ये देखें वो ये पहले आ गया ये बाद में आएगा तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं हम दोबारा इसको ऐसे मूव कर सकते हैं अगर हम सेटिंग में हैं सेटिंग से हमने जाना एक्सेसिबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी में हम हम नीचे नीचे जाते जाते हैं हैं और पर ऐप सेटिंग में पर ऐप सेटिंग में जा अगर कोई भी फ़ोन की कोई भी ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाते हैं मेल में तो मेल को हम एडिट कर सकते हैं पर ऐप को हम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं हम उसके टैक्स को बोल्ड कर सकते हैं लार्ज टैक्स कर सकते हैं आ, इंक्रीज कौन सा हम हम उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम उसको डिफरेंट्र कलर दे सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं और ये हमारे पास हर एक ऐप के लिए हैं होम स्क्रीन है फेसबुक है मैसेज है कॉल्स है सेटिंग है टी है सारी ऐप्स हैं वेदर है इसमें सारी एप्स हैं और इन सारी एप्स को हम अपने मुताबिक जिस वे से हमें वो अच्छी लगती हैं हम उस वे से इसको सेट कर सकते हैं और ऐसे अगर हम आ, अभी इसको कैंसिल करें और अगर हम जाएं इसके कंट्रोल सेंटर में तो थोड़ी सी और चेंजिंग है जैसे डो नॉट डिस्टर्ब अभी यहाँ पे है लेकिन आई एस में वो डो नॉट डिस्टर्ब जो चला गया है फोकस में फोकस में हमारे पस, हमारे पास कुछ और ऑप्शन हैं जैसे पर्सनल है वर्क का स्लीप है डो नॉट डिस्टर्ब है और फाइन फोकस होना दे ये सारी चीज़ें हैं इनको भी अगर हम चेक करें तो हमें बहुत सारे अदर फीचर्स हमें मिलेंगे ये पहले नहीं थे आई यू में सिर्फ हमारे पास एक ही था वो था डो नॉट डिस्टर्ब और यू कैन लेट सम बॉडी टू डिस्टर्ब यू इसी फोकस में एक और बहुत अच्छा फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर हम सेटिंग में जाते हैं फोकस में जाते हैं तो अगर हम इसको और इसमें जो है फंक्शन अगर हम ऐड करना चाहते हैं हम प्लस में जा, जाएंगे और कस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर अभी मैं ब्लू या रेड कर देता हूँ क्योंकि वर्क ऑलवेज हेडिक होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट अभी अम, मैं पीपल ऐड कर सकता हूँ कि जब मैं वर्क पे हूँ कौन कौन से लोग मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्टैक्ट में मेरे क्योंकि ये नया फ़ोन है इसमें कोई भी नहीं है तो हम मैं एक पीपल या दो पीपल या सिर्फ जो मेरे को कोवर्कर्स हैं मैं उनको सिर्फ ऐड कर सकता हूँ तो इन द मीन टाइम जब मैं सिर्फ वर्क में हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे इसको फोकस में जाके तो मैं इसको करूँगा वर्क जैसे ही मैं इसको वर्क करूँगा तो वो सिर्फ़ उन्हीं पीपल को अलो करेगा कि वो मुझे कॉल करें जो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं बाकी सब पीपल को डू डु, डु, नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा देगा वो अगर हम ऊपर जाएंगे नोटिफिकेशन में तो हमारे जो फंक्शनस हैं जो नोटिफिकेशन हैं, वो है वो थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पर टिप्स जैसे ऊपर बिल्कुल छोटा सा आता है यहाँ पर उसका बड़ा एक आइकन होता है और अगर हम इसको ऑप्शन पर जाएँ तो हम इसको म्यूट फॉर फॉर वन आवर म्यूट फॉर टोडे कर सकते हैं इसको हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अच्छा फीचर है जैसे कोई भी और ऐप्स है जो आपके फ़ोन में या व्हाट्सएप हो गया मैसेजेज हो गया तो आप उसको वन आवर के लिए या टू आवर के लिए या वन डे के, के लिए उसको म्यूट कर सकते हैं और अभी इसी में एक और फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है जो आई एस जो आई ओ एस फिफ्टीन फिफ्टीन में उन्होंने बहुत बेस्ट कर दिया है इसमें है स्पॉटलाइट सर्च अगर हम कोई भी ऐप को अगर हम सर्च करते हैं ये तो ऑबियसली अगर कोई भी बंदा उसके फ़ोन में ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको एवरी ऐप को जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा और अगर वो सर्च करेगा स्पॉटलाइट सर्च में जैसे मैं कहता हूँ डिजनी प्लस तो पहले तो वो ये था अगर हम इसको क्लिक करते हैं वो हमें ऐप स्टोर में लेके जाता है लेकिन अभी हम अगर इसको यहाँ पे गेट करते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देता है कि आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप कोई भी ऐप जो सर्च करते हैं आप वो बाय कर सकते हैं आपको ऐप स्टोर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं जैसे मैं सर्च करूँगा अभी कैट तो उसके हमारे बहुत सारे नीचे फीचर आ जाते हैं कैट सीधी में वो हमें बता देता है हमें आ, उसको आ, सफारी में अगर हमने सर्च किया है वो आ जाते हैं अगर हम किसी सेलेब्रिटी को अगर हम सर्च करते हैं जैसे जैसे हम मार्क्स जख्म को अगर हम सर्च करते हैं तो वो आ जाता है न्यूज़ में उसका उसका आ जाता है क्या क्या न्यूज़ है उसकी फेसबुक ये सारे फ़ीचर उसकी तस्वीरें आ जाती है सब कुछ आ जाता है तो बेसिकली ये हमारे ये, हमार, हम, ये हमारा ये हमारा अभी बहुत आसान हो गया हम और ऐसे ही इसका एक और फीचर है जो बहुत अच्छा है अगर हम कोई भी स्क्रीन लेते हैं जैसे ये मैंने स्क्रीन लिया है और अगर हमने उसमें उसमें से कोई भी टैक्स को रीड करना है हम इसको प्रेस करेंगे और हम किसी भी तरह का कोई भी टैक्स को रीड कर सकते हैं ये अगर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं भी जाकर आप इसको सेव भी कर सकते हैं अगर आपका ये नहीं है तो अगर इसका इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ये स्क्रीन शॉट है हम यहाँ से इसको पिक करेंगे और किसी भी सोशल मीडिया फाइल के ऊपर मैं फाइल के ऊपर नोट्स के ऊपर मैसेज के ऊपर हम हम इसके मैसेज को ओपन करेंगे अगर हमने ये जो फ़ाइल है किसी को सेंड करनी है और हम ऐसे ये स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ पर कर देंगे और हम ऐसे इसको स्क्रीनशॉट को किसी को भी सेंड कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है ये बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करता है बेसिकली आई 15 बहुत फास्ट हो गया और एक और जो इसमें बहुत अच्छा चेंज आया है वो है अगर हम सेटिंग में जाएँ और उसके बाद हम जनरल में जाएँ पहले आता था इसका जनरल रीसेट और हम यहाँ से फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं लेकिन अभी आता है ट्रांसफर और रीसेट और शट डाउन अगर हम शर्ट डाउन शर्ट डाउन को प्रेस करेंगे तो हम उसको शार्ट डाउन कर सकते हैं मगर अगर हमने उसको रीसेट करना है तो वो कहता है मेक श्योर एवरी थिंग इज रेडी रेडी टू ट्रांसफर टू न्यू आई फोन अगर हम इसको गेट स्टार्टेड करते हैं तो वो हमें एक एक्स्ट्रा आ, आ, आई क्रो स्टोरी देता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो हमें लो करता है कि हम अपना सारे डाटा का बैकअप ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा फीचर है और ऐसे इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं जूमआउट करते हैं तो हमें यहाँ तक ले जाता है लेकिन अगर हम आई ओ एस फिफ्टी में हम जूम आउट करते हैं तो हमें पूरा ग्लोबली जूम आउट करके तो हमें पूरा वर्ल्ड मैप दिखा देता है तो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं सफारी पे सफारी इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया जो एड्रेस बार है वो यहाँ पे हमारा ऊपर है और यहाँ पे जो एड्रेस बार है वो नीचे है लेकिन इसमें कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक जो नीचे वाला वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि हम ऐसे बड़ी इजिली हम टैब्स को चेंज कर सकते हैं अगर हम इसको इस तरफ जाएंगे अगला टैब आ जाएगा इस तरफ जाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं है हम सिर्फ उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा सकते हैं लेकिन इसमें हम टैब्स को बड़ी ईजी चेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर अगर हम सर्च करते हैं इसमें कोई भी वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं तो जैसे ही हम नीचे जाते हैं और ऐसे ही अगर हमने किसी भी आम, पेज को रिफ्रेश करना है तो हमें उसको सिर्फ स्लाइड डाउन करना पड़ेगा और ये पेज को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा हमें रिफ्रेश के ऊपर जा क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये एक मोर इजी वे है मोर फास्टर वे है उसको पेज को किसी भी पेज को रिफ्रेश करने के लिए आई एस का जो एक और, और बहुत अच्छा फीचर है वो ये है अगर हम सेटिंग में जाते हैं और हम लिखते हैं स्ट्रीट साइंस और इमेज में जाते हैं किसी भी तरह की कोई भी कोई भी इमेज है जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रीट साइन है जैसे ये है तो अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं ट्रांसलेट करते हैं वो एक्चुअली हमें ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर देता है कोई भी साइन कि उसमें वो क्या कह रहे हैं और अगर आप फॉरन किसी भी कंट्री के में हैं पे हैं तो आप किसी भी साइन को ट्रांसलेट um, uh, कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि वो इसमें क्या कह रहे हैं तो ये एक बड़ा हैंडी फीचर है आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोस्टली साइंस का प्रॉब्लम होता है रोड का प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो वो सारा इसमें सॉर्ट आउट हो गया है तो ये थे मेन फीचर्स आई 15 के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आई 15 के कौन कौन के कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर ब बाय